हमारा स्कूल के साथ बहुत है, आशीष साहब के साथ, लेकिन बीच में कुछ लोग भी मौजूद होते हैं जो उनके मुंह पे नहीं बाद में कहते आशीष साहब कितों वाकया पढ़ देता है। मैं खुद अखी वेख्या उन बंदियां नूं कि जदों ड्रैंग रूम चो बैठे हों ते फिर उन्हां दी गर्दन थल्ले हुंदी है ते आशीष साहब पुछ रहे हुंदे ने ताडा हाल चाल ठीक है ते हजूर ठीक है, ते जदों ही उन्हां ने स्टेज तो थल्ले उतरना ए कित्थों वाकया पढ़ दिता जी। जे अगर बानियान मेरे मदीना शरीफ दे असीं को कमरे च रहिंदे रहे मुबशर भट्टी साहब जिन्हां दा पिछले दिनों प्रोग्राम सी, कम अज कम उन्हां ने 1 लाख रुपए दा इनाम आशीष साहब नूं हार दे तौर ते पेश कीता है। मैं ताडी दिल आजारी नहीं कर रहा, दस के एक मैं खुशी दी गल है, सानू खुश होना चाहिए, साडे एक आलमी दीन दी अल्लाह दे बंदे ओदी उम्मत इन्नी पजीराई करदी है, एक करम दी गल हुंदी है बाबा जी। अगर तानू वो मुकाम नहीं मिले तो अंदर लभो ना, वो चासी साहब का कोई कसूर नहीं है। आशीष साहब कर देने स्टेज दे पूछा जाता है इन्नी इन्नी उन्होंने फीस है, कदी ये भी पूछे है कि जेडे उन्होंने इतों न्याज होंगी है लंगर होंगे है जेडे तुम नोट अपनी मुहब्बत ना दिया देंदे हो ये लफाफा मिला के कितने जाती उन्होंने रकम। मेरी आशीष साहब नाल गुफ्तगू हुई, मैं पिछले साल उन्होंने गांव बजवात सियालकोट का एक बार्डर का एरिया है उत्थे मैं पढ़िया, उस तो बाद आशीष साहब से मैं रहायश गाह ते रहा, यह मेरिया गल्लां रिकॉर्ड हो रही। मैं अपनी जिम्मेदारी दे नाल गल कर रहा, पूरी जिम्मेदारी नाल बैठिया बैठिया कुछ बड़ी मुहब्बत वाली गल्लां भी हुई। पूछे आशीष साहब इतनी फीस किथे, जी जी आशीष साहब इतनी फीस किथे जांदी है, आख लगे आसन नक्शबंदी थोड़ी देर सबर कर, जदों सुबह दे 7 बजने ना तैनूं पता चल जाणा है। 100 से ज़ायद घरों का नाश्ता जाता है उनके घर से, इसे इमरान आसी कहते हैं। कितने बच्चियों की शादी की है इस्तेमाई, उसे इमरान आसी कहते हैं। अगो की सियालकोट का जो इलाका है जहां पे वो मदरसा है, वहां पे बच्चे जो कुरान पाक की तालीम करते हैं उनके अखराजात पूरे करते हैं आसी साहब। अब तो बहुत बड़ा मदरसा बन गया है, वो जमीन ली, जमीन लेने के बाद वो वक्फ किया दीन की खातिर। हमारी बातों पे, हमारी जुबान पे सिर्फ एक ही बात है, अजी बड़ी फीस है ना, वो जेड़ियां जुगता सुन दे उन्होंने तुसी कुछ नहीं आखना, लेकिन जिन्होंने दीन ते पहरा देना है ओदे वास्ते ताडे कोल फतवे ही रह गए और कुछ नहीं रह गया। ये मेरिया कड़वियां गल्लां ने, खुदा वास्ते अपने मसलक दे नाल एक हो जाओ, अपने मसलक दे नाल एक हो जाओ। मैं एक गल आसी साहब दे हुंदियां भी कर सकदा सी, लेकिन ओ सी खुशामद, मैं उन्हां दी मौजूदगी च गल नहीं कीती। अगर वो मैनूं रोकण गए ना बाद च कॉल करके ते मैं कह सकांगा हजरत मैं अपनी मुहब्बत नाल तुहाडा भेद खोलिया, कोई बंदा ये ना सोचे। ते मेहरबानी मैं पहले आख्या जिस बंदे ने कन्ना दा चस्का पूरा करना है उस बंदे नाल मेरी कोई गल नहीं, मैं ओदे अगे दस्तबस्ता ही अर्ज करना चाहना। बाबा जी एक रोज दी कुरान पाक दी आयत पढ़ के सोया कर, अल्लाह तेरे दिल दे तेरे सीने दे अंदर नूर पैदा कर देगा। मैं कुरान दी आयत कहिए, अगर मैं कोई फिल्मी गाना या स्टेज ड्रामे दी गल कीती हुंदी ते तुसा हसना भी सी ते मुस्कुराना भी सी, सारे बोलना सी। मैं कुरान दी गल कीती ते चंद बंदे सुभान अल्लाह वास्ते बोले ने,